हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए मैंने कंधे के प्लेट्स को बनाने का एक बहुत ही अच्छा सा और नया तरीका लेकर आई हूँ। तो जिनको भी प्रॉब्लम होती है कंधे की प्लेट्स बनाने में या सामने के प्लेट्स बनाने में या साड़ी पहनने में, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साड़ी के बारे में। तो साड़ी अगर आप लोगों को पसंद आती है और सेम आप ऐसी साड़ी खरीदना चाहते हो, तो इसके बारे में डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, ताकि जिनको प्रॉब्लम होती है साड़ी पहनने में उनको ना हो। तो इसमें क्या होता है कि पल्लू वाला जो साइड हम लेते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होती है, और जो साड़ी का दूसरा छोर होता है उसको हम अपनी राइट की तरफ रखते हैं। अब देखिए, अगर आप साड़ी में हील्स पहनना चाहते हो तो कभी भी पेंसिल हील पहनने की गलती ना करें। आप ऐसी हील पहनिए जो कि बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट होती है, मींस आप वेजेस वाली हील्स पहनिए। उससे आपके कमर में भी दर्द नहीं होगी और वो साड़ी में ज़्यादा फंसेंगी भी नहीं, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगी। अब अगर बात कर लेते हैं साड़ी की लेंथ कितनी रखनी चाहिए, तो बस आपकी हील्स, अगर आपने हील्स पहनी है तो हील्स से 1 इंच तक आप रखिए। हील्स को आप बिल्कुल 1 इंच दिखने दीजिए और उसके बाद ही आप इस लेंथ को सिलेक्ट कर लीजिए। अब नीचे की लेंथ मेज़र करते हुए पेटीकोट की डोरी से ऊपर आपका जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है उसको आप पहले ही फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करने के बाद केवल आप अपने अंगूठे का इस्तेमाल कीजिए उसको अपनी पेटीकोट की डोरी के अंदर इन करने के लिए। ऐसे ही आप कपड़े को हल्का हल्का सा खींचते हुए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मैं कहूँगी, थोड़ा सा कंफर्टेबल आपके लिए रहे उतनी टाइट, आप अपनी बेसिक राउंड कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप चाहो तो ये बेसिक राउंड थोड़ा सा ज़्यादा टाइट रख सकते हो। ऐसे भी जब हम प्लेट्स बनाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है, तो फिर वो इस बेसिक राउंड को ऐसे भी लूज़ कर ही देती है, तो आप अपने हिसाब से इसको टाइट रख सकते हो। अगर आपको मान लीजिए फिटिंग साड़ी पहनना पसंद है तो आप अपनी बेसिक राउंड टाइट कर लीजिए। अब इसके बाद ऊपर वाली बॉर्डर को पकड़ते हुए हम साड़ी की पल्लू वाले साइड तक जाएंगे। ये वाला पल्लू साइड हम फिर से ऐसे घुमाएंगे और अपने सामने लेकर आएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको सिखाऊंगी आज इस वीडियो में कंधे की प्लेट्स बनाने के लिए। तो अपने दोनों ही हाथों में मैं साड़ी की जो पल्लू है उसको सीधा सामने ऐसे रखते हुए अपनी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में रख लूँगी। अब जो राइट हैंड में जो बॉर्डर है मेरा, यानी ऊपर वाला साड़ी का बॉर्डर, इस बॉर्डर को मैं दोनों हाथों में पकड़ लूँगी। ध्यान रहे कि आपको बॉर्डर का एंड पकड़ना ही है और उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस देना है। अब मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, अगर आपने कभी भी पेपर की फ़ैन बनाई होगी तो आप जैसे पेपर को फोल्ड करते हो, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे अपने पल्लू को फोल्ड करना है। यहाँ पे मैं अपनी बॉर्डर के जितना ही चौड़ाई लेकर चल रही हूँ प्लेट्स की, आप जितना चौड़ा करना चाहो अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे किनारा मैंने इसीलिए पकड़ा है ताकि जो भी प्लेट्स बने वो बिल्कुल एक सीध में बने और उनकी जो एंड्स हो जाए वो ऊपर नीचे ना हो। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, एक बार जब आपकी प्लेट्स बन जाएगी तो आगे मैं आपको और भी इजी ट्रिक बताऊंगी इनको अच्छी तरीके से आगे की तरफ वाले कपड़े को फोल्ड करने का। तो लीजिए, एक बार हमारी प्लेट्स जब बन जाती है तो अब हम इनकी एंड्स को एक बराबर कर लेंगे, यानी इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है हम इन सभी को पकड़कर एक सीध में कर लेंगे। और अब इसके ऊपर आप जो बालों में क्लचर लगाते हो वो क्लचर लगाकर इसको सिक्योर कर दीजिए। अगर आपके पास क्लचर नहीं है तो फिर आप कपड़े सुखाने के लिए जिस क्लिप का इस्तेमाल करते हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें क्या करना है कि अपने पैरों में आगे वाले हिस्से को फंसाकर कपड़ा बिल्कुल टाइट कर देना है। जब आप कपड़े को टाइट कर दोगे तो आपको हर एक प्लेट्स बिल्कुल सीधी लाइंस में दिख जाएंगी, और केवल आपको इन सीधी लाइंस को एक एक करके पकड़ते जाना है। ये लीजिए, हमने पकड़ लिया अपने सारे प्लेट्स।
अब अगर आप चाहते हो कि आपकी प्लेट बिल्कुल आयरन की हुई परफेक्ट लगे, तो आप अपना राइट वाला लेग थोड़ा सा ऐसे मोड़ लीजिए और अपने घुटने में फंसा कर अपनी साड़ी को ऐसे टाइटली खींचिए दोनों तरफ। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी प्लेट्स अच्छी तरीके से अपने जगह पे बैठ जाएंगी और इनकी क्रीज बिल्कुल ऐसी लगेंगी कि जैसे आपने आयरन किया हुआ है। आगे के भी कपड़े को उठाने के लिए मैं सेम ट्रिक यूज़ करूँगी और यहाँ पे मैं वीडियो इसीलिए स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से ये वाला तरीका समझ में आ जाए और ऐसा ना लगे कि मैंने कोई चीटिंग किया हो अपने आगे के प्लेट्स को उठाने के लिए। अगेन मैं वही वाला ट्रिक यूज़ करूँगी ताकि बिल्कुल ये आयरन की हुई लगे। ये लीजिए, आपके सामने ही मैंने अपने कंधे वाली प्लेट्स आराम से सेट कर ली। पल्लू को आप थोड़ा सा लंबा ही रखिए, घुटने से नीचे तक रखिए। भले ही साड़ी की लेंथ कम क्यों ना हो, सामने में प्लेट्स कम क्यों ना बने, लेकिन आप पल्लू में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें क्योंकि लॉन्ग पल्लू आपको हमेशा ही अट्रैक्टिव लुक देने में हेल्प करती है। कंधे पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने हल्का सा ये बॉर्डर झुकाते हुए ही मैं इस तरफ लगा रही हूँ पिन, और जो कंधे वाली पिन लगती है वो एग्जैक्टली आपके कंधे पे ना लगकर हल्का सा कंधे से पीछे लगती है। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है। अब जब आपकी पल्लू की प्लेट्स अच्छे से बन जाती है, पिन भी आप लगा लेते हो, तो सामने की तरफ से भी आप साड़ी का थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हिस्सा लेते हुए आप उसको प्लेट्स में अरेंज कर लीजिए। बस जैसी प्लेट्स आपने बनाई थी उसी हिसाब से आपको रखना है, हाथों से इनको आपको प्रेस कर देना है। अब अंदर वाला जो बॉर्डर है इसको आप अपनी राइट चेस्ट के ऊपर ऐसे ले जाइए क्रॉस करते हुए, और जितने भी अंदर की तरफ प्लेट्स हैं उन सभी प्लेट्स को आप बारी बारी से सेम डिस्टेंस पे फैला लीजिए। हर एक प्लेट्स के बीच में एक समान डिस्टेंस होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए, बॉर्डर जब ऐसे घूमती है तो हमें सभी प्लेट्स को भी बराबर सी जगह देनी है ताकि वो अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए, हमने जो लंबा लेंथ लिया था सामने की तरफ से और उनको प्लेट्स में अरेंज किया था, उसी का नतीजा है कि हमारे हिप एरिया तक सभी के सभी प्लेट्स अच्छी तरीके से उभर कर आ रही हैं। अब कमर के पास हम ऐसे बॉर्डर को ले जाएंगे टेढ़ा करते हुए, और हल्का सा राइट की तरफ हमें इस बॉर्डर को ले जाना है और नीचे से केवल एक लेयर उठाना है हमें। ये देखिए, आप इसको छोटा सा प्लेट भी कह सकते हो। ये एक बॉर्डर हो गई और ये छोटा सा प्लेट हो गया। बस हमें इन्हीं दो पार्ट्स को एक बार ऐसे पिन करके लगाना है। कई लोग बोलते थे कि यहाँ पे पिन को सुई की तरह चलाने से होता ये है कि कपड़ा ज़्यादा डैमेज हो जाता है, उसमें ज़्यादा होल्स आ जाते हैं। तो आप केवल दो ही लेयर लीजिए यहाँ पे, और इन दोनों लेयर्स को आपस में ऐसे सेट करते हुए आप एक छोटा सा पिन एक बार में ही लगाइए। अब यहाँ पे आपकी जितने भी क्रीज बन रहे हैं उनको सेट कर लीजिए प्लेट्स में, और देखिए पिन वाले हिस्से से आप बिल्कुल भी प्लेट बनाना शुरू मत कीजिए, वरना होगा ये कि आपका ये पिन वाला एरिया ऊपर की तरफ खींचेगा और फिर आपका हो सकता है कि नीचे की तरफ से पेटीकोट भी उठ जाए। तो इसीलिए आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा डिस्टेंस ले लीजिए और देख लीजिए कि ये कहाँ तक आप लें कि आपकी जो पिन है उस पर भी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और प्लेट्स भी अच्छे तरीके से बन जाए। तो देखिए, यहाँ से मैं प्लेट बनाना शुरू करूँगी। थोड़ा सा पिन से मैंने डिस्टेंस छोड़ रखा है, आप देख रहे हो। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी स्मॉल वाली फिंगर और उसके बगल वाला फिंगर, उसके बीच में हमें इस जगह पे कपड़े को फंसाना है। और अब ये कपड़ा घूमकर वापस से सीधा, ऐसे हथेली को आपको सीधा करना है और वापस से स्मॉल फिंगर के पास लेकर जाना है। यहाँ पे आपको दबाना होगा अपने अंगूठे से, और वापस से आपको स्मॉल फिंगर के पास जाना है, और वापस से
आपको अंगूठे के पास जाना है। तो ये तरीका बहुत ही आसान है बिगनर्स के लिए जिनको सामने के प्लेट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप बिगनर हो तो आप ऐसी साड़ी बिल्कुल भी सिलेक्ट ना करें जिसको कि प्लेट बनाने में या फिर ड्रेप करने में आपके लिए मुश्किल हो। आप चाहो तो इस तरीके की कॉटन सिल्क यूज़ कर सकते हो, बनारसी सिल्क यूज़ कर सकते हो, जॉर्जेट या शिफॉन, आपके लिए ये सारी साड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट हैं। लास्ट वाला प्लेट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा कर दिया है, इसके पीछे एक रीज़न है और वो ये है कि आपकी हर एक प्लेट्स छोटी छोटी रहेंगी तो चलेगा, लेकिन राइट की तरफ की जो फर्स्ट वाली प्लेट है अगर वो छोटा हो जाए तो फिर वो हमेशा राइट की तरफ ही आपकी भागती हुई दिखेगी और अलग सा ही एक सिकड़न आपको दिखेगा जो कि बिल्कुल भी आपकी साड़ी की लुक को परफेक्ट फिनिश नहीं देगी। इसीलिए हम अपनी राइट की फर्स्ट प्लेट को चौड़ा कर देते हैं। अब देखिए, हमने राइट की प्लेट की जो एक लेयर है उसको हमने छोड़ दिया है और पीछे प्लेट्स की कपड़े को पकड़ रखा है। अब केवल आप अपने कपड़े को झटक दीजिए, इसी में आपका काम हो जाएगा, आपकी पूरी प्लेट ऊपर से नीचे तक एक बराबर अरेंज हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, राइट की हमारी फर्स्ट प्लेट आप देख सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है और वो अच्छी तरीके से सभी प्लेट्स में मिल गई हैं। नीचे में अब आपको देखना है, अपनी बेसिक लाइन से आपकी प्लेट की लेंथ को मिलाना है और प्लेट्स की ऊपर वाली लेंथ जितनी भी एक्स्ट्रा जा रही है आप डायरेक्ट उसी पॉइंट पे पकड़िए। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप प्लेट्स के बीच में एक एक सेंटीमीटर की गैप्स रखिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि ऊपर की तरफ भी मैंने सभी प्लेट्स एक जगह पे पकड़े हैं और नीचे की तरफ जब वो जा रही हैं तो अपने आप वो एक एक सेंटीमीटर की गैप्स में आ गई हैं। तो हमें केवल ध्यान देना है कि हमारी प्लेट्स का जो पीछे वाला कपड़ा है वो एक बराबर रहे। अगर वो एक बराबर रहेगी तो सामने के भी सभी प्लेट्स अच्छी तरीके से दिख जाएंगी। अब हम प्लेट्स की जो लाइंस है उनको अपनी रखेंगे बेली बटन के पास और सभी प्लेट्स को अंदर की तरफ टक कर देंगे। केवल हम अपनी राइट की फर्स्ट प्लेट की पहली लेयर को छोड़कर, तो राइट का ये वाला जो कपड़ा है हम बिल्कुल लास्ट में सेट करेंगे। हम करेंगे ये कि सभी प्लेट्स की जो नीचे की तरफ लेंथ है हम सभी लेंथ से मैच करेंगे अपने राइट की फर्स्ट वाली प्लेट की लेंथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस साइड की फर्स्ट लेंथ ऊपर हो जाती है और अगर आपने साड़ी में फॉल लगाई हुई होती है तो आपका फॉल पता चल जाता है। तो इसीलिए आप इसको लास्ट में सेट कीजिए। आप हल्का सा राइट की फर्स्ट प्लेट की जो अभी मैंने लेयर दिखाया था उस लेयर को हल्का सा नीचे खसकाते हुए ही आप उसको इन कीजिए। और अब लास्ट में आप अपने सभी जो साइड्स हैं साड़ी की उसको सेट कर लीजिए, देखिए कि वो परफेक्ट है या नहीं। और अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप यहाँ पे अपने पेट के पास एक पिन लगा सकते हो। तो अब अगर आपकी साड़ी की बॉर्डर ऐसी अट्रैक्टिव है तो आप एक काम कीजिए, ताकि आपकी ड्रेपिंग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाए, इसमें आपको ऐसी लास्ट वाली जो आपकी बॉर्डर है उसमें सभी अंदर वाले प्लेट्स को आपको रख लेना है इस तरीके से। और ये जो बॉर्डर अंदर की तरफ वाली है इसको आप ऊपर की तरफ बाहर निकाल दीजिए, ताकि आपकी कंधे के पास केवल और केवल दो बॉर्डर्स ही दिखें। इस तरीके से बॉर्डर्स को मैच करते हुए आप अंदर की तरफ यहाँ पे एक पिन लगा लीजिए। तो ये जो तरीका है कंधे की प्लेट को सेट करने का, आप केवल पतले बॉर्डर वाली साड़ियों के साथ ही कीजिए। अगर ऐसी सिल्क की साड़ी है तो फिर आप डेफिनेटली आपकी साड़ी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और बहुत ही प्रोफेशनल सी फिनिश आएगी आपकी साड़ी में।
तो जब आपकी ड्रेपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपका फाइनल लुक ये रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट प्लेट्स के साथ, बिल्कुल परफेक्ट फिनिश के साथ, एकदम प्रोफेशनल ड्रेपिंग आपकी लगेगी। तो आप अकेले ही ऐसे साड़ी को ड्रेप कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। और जो लोग कहते हैं कि कमर के प्लेट्स को बनाने के चक्कर में उनका हिप वाला साइड टाइट हो जाता है, तो लीजिए देखिए, इसमें आपका हिप वाला एरिया बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा। आप सभी स्टेप्स वन बाय वन ऐसे ही फॉलो कीजिए। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।